विशाल मसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टर लॉजिशियन। सो गाइस, आज के मार्केट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। हम लोगों ने कल जो भी डाटा के थ्रू अपनी एनालिसिस करी थी, टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करी थी, एक कॉन्क्लूजन निकल के आया था कि मार्केट नीचे जा सकती है बिकॉज इतनी ज्यादा वीक थी। और ऊपर रेजिस्टेंस पे जो हम लोगों ने सेल करा था, ओपन इंटरेस्ट के डाटा में कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हैवी हो गई थी और पुट राइटर्स एग्जिट कर गए थे। बट आज के दिन हम लोगों ने गैप ऑफ ओपनिंग दिखी और एक अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद स्टार्टिंग के टाइम पे ही वो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर गया और वो बीच में कहीं रुकी नहीं है। एक ऊपर आखिरी टाइम में एक छोटा सा हर्डल देखने को मिला था जहां से मार्केट ने छोटा सा टर्न अराउंड लिया था। वो लेवल हम अभी बात करते हैं इस वीडियो के अंदर ही और देखते हैं कि क्या अगर उसके ऊपर जाता है तो टर्न अराउंड हो सकता है, क्या रिवर्सल हो सकता है, या फिर वहां से दोबारा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मैं तीन स्टॉक्स लेकर आया हूँ। कल की मार्केट, आज की मार्केट तो हमारी अनएक्सपेक्टेड थी, तो मैंने कोई पर्सनली मार्केट में ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मेरा डाउनसाइड ही पूरा ट्रेंड था। एंड अब देखते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। सो गाइस, हमारा सबसे पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आप क्लियरली देख सकते हैं एक डिमांड जोन हम लोगों को बॉटम पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना के एक अपमूव हम लोगों ने पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। अब एक सिमिलर कैंडल से एक पैटर्न बन रहा है जिसमें मैं बहुत अच्छे से ट्रेड लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक इस लेवल से एक विक का रिजेक्शन देखने को मिला ऑन अ लोअर साइड, एक हायर साइड से विक का रिजेक्शन देखने को मिला और एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास एक क्लोजिंग देखने को मिली थी। अभी अगर आप विक का टॉप देखोगे ये लेवल है एंड विक का जो बॉटम है दैट इज दिस लेवल। अब हम मान के चलते हैं जैसे इस रेंज का अपर साइड टूटेगा या लोअर साइड टूटेगा उस जगह हम लोग एक बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं। वो शायद एक कैंडल कवर कर दे या वो छोटी छोटी कैंडल्स कवर कर दे, बट एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अभी एग्जैक्टली हम ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है। आप देख रहे हैं ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएटेड है और इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड लग रहा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हायर से जो हम लोगों ने एक सप्लाई जोन क्रिएट करा था, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा था, उसका भी ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड दोबारा ऊपर गया। सो अगर कल इस लेवल का ब्रेकआउट होता तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। करंट प्राइस एचडीएफसी बैंक का है 1525 रुपीस का। 1530 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल भी सस्टेन कर गई ना तो ये अच्छी मूवमेंट दे सकता है। मतलब 30-40 पॉइंट्स के आसपास की रैली ये इजिली कर सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है मॉइल। मॉइल लिमिटेड में अगर हम देखेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। पहली बात तो एक अपने लो से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है जो एक सारे सपोर्ट्स को कनेक्ट करती हुई आ रही है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है एक इसी रेंज के अंदर एक छोटी सी रेंज और बनी हुई है जो कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर लोज एंड लोअर हाइस का पैटर्न, कंटिन्यूशन पैटर्न फॉर्म कर रही है। उसके बाद हुआ क्या है, एक गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद अगर हम जूम करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इसने कंटिन्यूस एक अप मूव स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर एक इम्पल्स मूव तो आ गई। इम्पल्स मूव आने के बाद आप ये देख सकते हैं एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करें, फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। जिस लेवल पे ऊपर हुआ एग्जैक्टली वहां से ही ऊपर बढ़ना इसने स्टार्ट करा है। अब ये एक छोटा सा हर्डल है, ये जो आप रेड कलर की लाइन दिख रही है ये एक छोटा सा हर्डल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो एक अच्छी मूवमेंट हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो अभी करंट प्राइस है 174 रुपीज का। 175 के ऊपर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, 4-5 रुपए इजिली दे सकता है और एक अच्छा खासा ट्रेंड भी इसमें स्टार्ट हो सकता है। क्यों? सबसे पहली बात तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट हम लोग मान के चलेंगे तो ऑलमोस्ट 185-190 के आसपास के टारगेट्स लग रहे हैं। एंड ये इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है जहां पर इसने क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल 198 रुपीज का, यहां तक की मूवमेंट भी हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो स्टॉक का नाम है मॉइल। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप पे चलते हैं। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा अच्छी चलती हुई आ रही है जो कि ऑलमोस्ट एक साल से सारे लोस को कनेक्ट करके हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे एक नया हाई देखते हैं। सो अभी एग्जैक्टली इस लेवल पे आया। इस लेवल पे आने के बाद इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा। अब आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर देखकर ना आप लोगों को लग रहा होगा यार ये वीक है, ठीक है, क्योंकि ऊपर गया दोबारा नीचे आया, ये एक बेरिश कैंडल दिखी, एक इनसाइड कैंडल दिखी, फिर अब तो ये और नीचे जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। बट अगर हम लोग बैक टेस्टिंग करें ना तो सिमिलर सिनेरियो हम लोगों को यहाँ देखने को मिला था। एक बेरिश कैंडल, एक इनसाइड कैंडल, दोबारा एक नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये जो बड़ी कैंडल थी उसके नीचे जाके इस कैंडल ने क्लोजिंग भी करी थी। बट अगले दिन से फिर एक टर्न अराउंड स्टार्ट हो गया था, एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ था।
एग्जैक्टली यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट हुआ है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं बड़ी मूवमेंट ये स्टॉक दे सकता है, या फिर हमारे लिए स्टॉप लॉस ना इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बहुत कम है और टारगेट अपसाइड इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट को कंपेयर करूँ करेंट लेवल्स पे भी, तो मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, एंड टारगेट्स हम लोग अपने ये रख के भी चले तो भी हम लोगों को ऑलमोस्ट 1:3.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है, और 1:2 तो ईजिली आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और स्टडी करते हैं, तो एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और ना 1 आवर टाइम फ्रेम आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है एक डबल बॉटम है और यहाँ से एक अपमूव लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो इस लेवल के ऊपर ये एक छोटा सा और हर्डल हुआ करता था, इसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी थी ऑन अ 1 आवर कैंडल, बट उसके बाद अगले दिन वो नीचे चला गया था लास्ट ट्रेडिंग आवर में। अगर ये अपने इस लेवल 1685 पे ग्रासिम ट्रेड कर रहा है, 1693 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया ना, तो एक अच्छी मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकती है, एंड 1720 1718 तक इजिली कल इंट्राडे में भी ये स्टॉक जा सकता है। सो वॉच लिस्ट के अंदर आप लोग जरूर ऐड कर सकते हैं, बट याद रखना अगर ये कल नीचे खुलता है या नीचे जाना स्टार्ट करता हो ना स्टार्टिंग बेसिस में स्टार्टिंग टाइम में, तो इसको ट्रेड बिल्कुल मत करना। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। सो गाइस, ये हमारा निफ्टी का सेटअप है जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात करी थी। हमने बोला था ये ट्रेंड लाइन देख रहे ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसका इस लेवल पर ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन होने के बाद एक कैंडल की क्लोजिंग नीचे देखने को मिली, तो हम लोगों ने कल शॉर्ट करा था और कल इस पर पैसा कमाया था, ये पूरा टारगेट हम लोगों को मिल गया था। अब हुआ क्या, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना इसने क्लोजिंग दी थी ट्रेंड लाइन के नीचे इस लेवल पे, तो मैंने आपसे कहा था अगर आज का लो मतलब कल का लो अगर ब्रेक हो जाए तो हमें सीधा शॉर्ट कर देना, हमारा टारगेट होगा ये, क्योंकि ज्यादा सेलर्स एक्टिव है, तो अगर कल का लो टूटेगा तो एक और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हुआ क्या, सबसे पहली बात तो एक बहुत बड़ा गैप अप खोलने को मिला, गैप अप खुलते ही वो नीचे आया, नीचे आने के बाद हमने आपसे हमेशा कहा है कि अगर बड़ा गैप अप खुले तो बाइंग साइड में नहीं जाना, पहले हमें आधा घंटा वेट करना है। ठीक है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी में हमेशा स्टार्टिंग में आधा घंटा वेट करते हैं अगर हमारा पर्सपेक्टिव ऑन सेल साइड है, बट वो अगर ऊपर बाइंग साइड का प्रेशर दिखा रहा होता है। सो एक बड़ी मूवमेंट आई, तो आप यहाँ देख सकते हो ना कंटिन्यूस बेसिस एक ऊपर की तरफ ही ये जाते रहा। अब आप देख सकते हैं इस लेवल पे एक छोटा सा हर्डल देखने को मिला, वहां पर लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में हम लोगों को एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिला। अब क्या ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल पर रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है। दूसरी चीज अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें तो ये रहा टॉप, ये रहा बॉटम। अब देख सकते हैं सिंपली इसने 61% जो एक रिवर्सल होता है जहां पर हम बोलते हैं गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो, एग्जैक्टली उस लेवल पे आके अभी नीचे जा रहा है। सो अब हमें कल करना क्या है, अगर कल ही अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है दैट इज 17,120 के लेवल को, और 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो हम लोग सीधा शॉर्ट कर सकते हैं, और जो हमारा ये लेवल था जहां से गैप अप खुला था वो लेवल हम अपना टारगेट मान के चल सकते हैं। बट अगर कल ये इसके ऊपर निकल जाता है, अपने हाई को ब्रेक कर देता है जो कि इसका 17,270 का है, तो फिर हम लोग अपना एक बाइंग प्रेशर लेकर भी चल सकते हैं, और वो ऑलमोस्ट हम लोगों को 350-340 तक भी लेकर जा सकती है। ठीक है, सो इस छोटी सी रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट एक दिन पहले बहुत ज्यादा बेयरिश थी और मार्केट अगले दिन बहुत ज्यादा गैप अप खुल के ऊपर गई है, तो यहां पर हम लोगों को अगले दिन के लिए सेटल के लिए वेट करना है कि डायरेक्शन किधर है इवेंचुअली। ठीक है, तो हमें कल पता चल जाएगा डायरेक्शन नीचे होगी तो ऑफकोर्स ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा, और डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ होगी हमें एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सो गाइस, बैंक निफ्टी में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड क्लियरली यहां पर भी हम लोगों ने सेम चीज फॉलो करी थी। ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, जब ये ब्रेक डाउन हुआ था ना उसी टाइम हम लोगों ने कल शॉर्ट लिया था और ये पूरा मूवमेंट को कैप्चर करा था। क्लोजिंग हो गई इस लेवल पे, हम लोगों ने बोला था जैसे ही अपना लो तोड़े उसी टाइम हम लोग अपना शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, सबसे पहला टारगेट ये है एंड सेकंड टारगेट ये है, बट इवेंचुअली ये भी गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद हम लोगों ने इस लेवल के नीचे से शॉर्ट करा था और ये खुला इसी लेवल के ऊपर, तो यानी कि ये लेवल एक क्रूशियल लेवल बन जाता था। बट इसके बाद एक रैली दोबारा कंटिन्यू होते रहे और इस लेवल से रिवर्सल आया। क्या ये रिवर्सल जो इस लेवल से आया, क्या ये पॉइंट भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? आइए चेक करते हैं। तो मैं जूम आउट कर रहा, जूम आउट करने के बाद आप देख रहे हैं ना मल्टीपल बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा है, मल्टीपल बार रेजिस्टेंस फेस करा और नीचे आया है। तो आप देख सकते हैं एक रैली बहुत अच्छी आती है, यहाँ पर भी रैली बहुत अच्छी आई है, बट इवेंचुअली इस लेवल से एक फॉल दोबारा देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट एक दिन बहुत बुरा गिरी है, मार्केट एक दिन बहुत अच्छा बढ़ी है, तो कल की मार्केट डिसाइड करेगी अगर इसे बढ़ना होगा तो इस लेवल के ऊपर फाइनली एक ब्रेकआउट दे देगा, ये जो गैप है इस गैप को फिल कर देगा, अदरवाइज अगर ये नीचे आना स्टार्ट होता है तो हम एक दोबारा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। ठीक है,
तो आई थिंक ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सिनेरियो। अब एक बार ओपन इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं, उसे एक पर्सपेक्टिव नहीं लेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, बिकॉज कल कहीं पर भी पुट राइटर्स नहीं थे, कॉल राइटर्स एक्टिव थे, मतलब बियरिश सेंटीमेंट था, बट आज के दिन गैप अप खुली है। तो हम लोग ज्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे, बट उसको स्टडी जरूर कर लेते हैं और एक बार FII का डाटा भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग निफ्टी के में ओपन इंटरेस्ट के डाटा में आ चुके हैं। सबसे पहले अगर आप कॉल और पुट चेंज देखोगे तो कॉल है -16 मिलियन और पुट है 16 मिलियन पॉजिटिव, तो आप वास्ट डिफरेंस देख रहे हो, मतलब खत्म ही हो गया था। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो हैवी पुट राइटर्स एक्टिव है 17,000 17,200 पे, और जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सब एग्जिट कर गए। मतलब आज जो हुई है वो शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिस तरीके से गैप अप खुला था बहुत लोगों ने गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट पोजीशंस बना के रखी थी बहुत सारे लोगों ने, बट जिस तरीके से वो गैप अप खुला सारे शॉर्ट ट्रेडर्स ट्रैप हुए, उसकी वजह से कॉल राइटर जितने भी थे लोगों ने कॉल को शॉर्ट कर रखा था, वो लोगों ने पोजीशन एग्जिट करी। अगर पोजीशन एग्जिट करनी है तो जिन्होंने शॉर्ट करा है वो बाय करेंगे ना उसको एग्जिट करने के लिए, तो उस शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाती रही। ठीक है, अब ये सिनेरियो आज का सिनेरियो खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पर एक बार आते हैं तो हम देखेंगे अभी भी हिस्टोरिकल अगर डाटा को चेक करें तो अभी भी टोटल कॉल 70 मिलियन है और टोटल पुट 53 मिलियन है, तो यानी कि अभी भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना चाहिए हमें। बैंक निफ्टी, सिमिलर बैंक निफ्टी में कॉल चेंज है -3.7 मिलियन, पुट चेंज है 9.3 मिलियन, तो यानी कि हमें एक चीज तो पता चल गई, हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 36,500 के आसपास, तो ऑलमोस्ट वहां से 100 पॉइंट ही हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो कल अगर गैप अप गैप डाउन इसके नीचे देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट बन सकता है ट्रेड। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कॉल और पुट चेंज बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि बात करें बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा डाउन साइड ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिल रही है। अगर गिरेगा तो वो बराबर गिरेगा, अगर उठेगा तो वो भी एग्जैक्टली बराबर। बट अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट को बात करें कंपेयर करें इंडेक्स से, तो निफ्टी में ज्यादा वीकनेस हमें एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी देखने में को मिल रही है। ठीक है, तो एक बार अगर हम लोग FII का डाटा भी चेक कर लेते हैं, FII का डाटा पे अगर हम चेक करें तो ऑलमोस्ट कॉल की बाइंग हुई है 1.6 मिलियन एंड पुट हुई है 2.8 मिलियन, तो इसको छोड़ देते हैं। बट इंडेक्स फ्यूचर इन लोगों ने लॉन्ग करा हुआ है। इसके अलावा उन लोगों ने FII ने स्टॉक्स के अंदर तो वो ना कंटिन्यूस बेसिस सेलिंग कर ही रही है। ठीक है, तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करा हुआ है, लेट्स सी क्या होप है क्या करके चलते हैं। बट अगर कल गैप अप खुलता है तो हम चेक करेंगे किस तरीके का डाटा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, तभी अपना डिसीजन कल के मार्केट पे जरूर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कल कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को एक ऑप्शन का ट्रेड मिल जाएगा। हम लोग क्योंकि परसों एक्सपायरी है ना थर्सडे को, तो मान के चलते हैं कि कल हम लोग एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, टेलीग्राम चैनल पर शेयर होगी, तो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आई थिंक अगर हमारे हिसाब से थर्सडे को मार्केट गई तो अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड इन टेलीग्राम और आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। देखते हैं, मेरे हिसाब से मार्केट 12 बजे के आसपास ही टर्न अराउंड होगी, तो तभी आप लोगों को वो ट्रेड मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आई होप आप लोगों को कंटेंट हमारा पसंद आ रहा होगा। एंड इसी के साथ इस महीने हम लोग 4 वेबिनार करने वाले हैं, 2 वेबिनार होने वाले हैं, एक साइकोलॉजी से रिलेटेड, कैसे हर एक स्टॉक की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, कैसे आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी इमोशनल साइकोलॉजी होती है वो आप क्यों नहीं सुधार पाते हो, जितने भी आपको ट्रेडर्स आपके मेंटोर्स आपको बताते रहते हैं इसको कंट्रोल करो, फियर को कंट्रोल करो, ग्रीड नहीं आना चाहिए, बट आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो, वो कैसे आपको करना चाहिए, वो एक क्या सीक्रेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर जाएगा। तो ये वेबिनार आने वाले हैं गाइस, 18-19 डेट है और 25 और 26 की डेट है। आप लोगों को कल परसों तक डेट पूरा कर दिया जाएगा, उसके बाद जाके आप लोग उसे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सो एंड करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल टेलीग्राम पे।